संबित पात्रा जी, ईडी को एक भी बीजेपी का नेता नहीं मिलता है। सारी कार्रवाइयां पुराने पुराने दशकों पुराने मामले में अन्य नेताओं पर ही चल रहे हैं, अन्य पार्टियों के। क्यों ना कहे चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्यों ना कहे दाल में कुछ काला है, क्यों ना कहे अनेकों मुहावरे हैं। सवाल यह है कि सिर्फ ऐसी जगहों पर और इन्हीं पार्टियों के लोग सर जिन पर केस चलता है, आपकी पार्टी में आके ही ईडी बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है उन केसेस पर। जय हिंद दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको अंजना ओम कश्यप और संबित पात्रा की एक वीडियो दिखाई। संबित पात्रा से किस तरीके से अंजना ओम कश्यप ने सवाल पूछे हैं, बहुत ही अच्छे सवाल पूछे। यही असली मतलब होता है पत्रकारिता का, यानी जर्नलिस्ट का मतलब। यही असली मीनिंग है यानी पत्रकारिता का, जर्नलिस्ट का मतलब। आप सत्ता से सवाल करिए। आजकल के जो पत्रकार हैं वो क्या हो गए, वो सत्ता से सवाल ही नहीं कर रहे, सत्ता के सवालों से डर रहे हैं, सत्ता से सवालों पता नहीं करने से डर रहे हैं। विपक्ष से सवाल करता है आज का जो जर्नलिस्ट, आज का जो पत्रकार है। अरे पत्रकार और जर्नलिस्ट का मतलब ये है ही नहीं कि आप विपक्ष से सवाल करें। सबसे पहला मतलब ये है कि आप सत्ता से सवाल करिए। सोसाइटी में जो अहम मुद्दे हैं, देश के लोगों के जो अहम मुद्दे हैं, उनको लेकर आप सत्ता से सवाल करिए। आप अपने डिबेट ऐसे मुद्दे पर लाइए जो देश की जनता के मुद्दे हैं। जो चुनाव से पहले जो पार्टी सरकार में उसने प्रॉमिस किया था, लोगों को वादे किए थे वो करने के लिए, उन वादों के ऊपर आप डिबेट रखें। अगर वो वादे पूरे नहीं करते तो यही मतलब होता है। आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है कि ईडी जो है, जो भी विपक्ष के नेता हैं, जो जमीन पर आवाज उठा रहे हैं जनता के लोगों की, उनको चुप करने के लिए क्या प्रयोग हो रहा है, ईडी उनके घर पर चली जाती है और रेड करती है। कभी सीबीआई चली जाती है, कभी इनकम टैक्स चली जाती है। पर जो सरकार में लोग बैठे हैं, क्या उनका कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, कोई भी नेता भ्रष्ट नहीं है? क्यों नहीं है भ्रष्ट? ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके घरों के, मतलब बीजेपी के नेताओं को मैं साफ बोल देता हूं कि जो हमारे देश में सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके जो नेता है, उनके घरों पर क्यों ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नहीं जाती है? इसी को लेकर अंजना ओम कश्यप ने सवाल पूछा कि संबित जी आप ये बताइए कि विपक्ष के नेताओं के हाथ तो ईडी जा रही है, आपके नेताओं के घर पर ईडी क्यों नहीं जा रही? क्या आपकी दाढ़ी में कोई तिनका है, क्या दाल में कुछ काला है? ये सवाल संबित पात्रा से अंजना ओम कश्यप ने पूछा। यही अंजना ओम कश्यप जी, हम भी यही चाहते हैं कि आप सत्ता से सवाल करिए, आप अच्छे मुद्दे पर डिबेट रखिए। आप हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इनको छोड़ दीजिए। दंगों के ऊपर, इन चीजों के ऊपर आप डिबेट करिए ही मत। अरे आप अच्छे स्कूल, अच्छी एजुकेशन, अच्छी सड़कें, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना बढ़ रहा है, महंगाई इतनी बढ़ी, इन चीजों पर आप डिबेट रखिए और हम आपकी हमेशा तारीफ करेंगे। हम आपके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी तारीफ कराया करेंगे कि देखिए ये है असली पत्रकार, ये है अंजना जी। जब आप अंजना जी ऐसे अलग अलग तरीकों के, मतलब जो मुद्दे है ही नहीं अहम, उनके ऊपर डिबेट रखेंगी, सत्ता से सवाल नहीं करेंगी, विपक्ष से सवाल करेंगी, तो हम तो आपको एक्सपोज करेंगे ही। पर दोस्तों आज अंजना ओम कश्यप ने जो संबित पात्रा कि जो मैंने आपको वीडियो दिखाई जिससे मनी सत्ता से सवाल कराए, मैं संजना ओम कश्यप को सलूट करता हूं और ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसे ही सत्ता से सवाल करेंगे। चलिए आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊं दोस्तों आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।